मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाएं, बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल नया लाइफस्टाइल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैं फिर से कर रही हूँ टू रूट बोटेनिकल हेयर टॉनिक के बारे में। तो इसका रीजन ये है क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे इसी ट्रू रूट बोटेनिकल हेयर टॉनिक के बारे में एक रिव्यू वीडियो पोस्ट किया था। तो उस पर मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए थे आप लोगों के कि इस पर कुछ आपके डाउट्स थे, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के ही आपके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर देती हूँ और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने में आपको हेल्प मिलेगी। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आप नए हो तो उनके लिए मैं ही बता दूं कि ये प्रोडक्ट क्या है और क्या वर्क करता है। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है वो आपके बालों को काला कर देगा। काला करने से मतलब ये नहीं है कि ये कोई डाई है या फिर हेयर कलर है, ये डाई या हेयर कलर नहीं है, बल्कि ये एक हेयर टॉनिक है जो आपके रूट्स पर काम करके जो आपके नेचुरल बाल है जो कि काले है, जो सफ़ेद हो गए हैं, उनको ये फिर से काला करने में मदद करेगा। मतलब आपके जो नए बाल है वो अब काले आएंगे सफ़ेद की जगह। तो दोस्तों जैसे कि पता है कि हमारे जो बाल होते हैं ठीक है वो सफ़ेद इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे बालों के रूट्स में जो मेलानियम पिगमेंट है वो कम होने लगता है और इसी की वजह से हमारे बालों में जो ग्रे हेयर या फिर वाइट हेयर है ये बढ़ जाते हैं। और एक बार वो अगर आने लगे, ग्रे या वाइट हेयर होने लगे, तो वो बढ़ते ही जाते हैं। और आजकल ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है लोगों के बाल सफ़ेद होना। हम देखते हैं कि 12 साल से बच्चे से लेकर आजकल बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत जल्दी लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। क्योंकि एक एज के बाद बालों का सफ़ेद होना तो ठीक है, पर अगर 12 या 13 साल के बच्चों की अगर बाल सफ़ेद होते हैं तो ये थोड़ी चिंताजनक बात है। तो उसी के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपके बालों का जो मेलानियम लेवल है उसको ये इंक्रीज करता है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज है वो बालों के जो मेलानियम पिगमेंट है उसको बूस्ट करती है और आपके बालों का जो ग्रे या फिर वाइट होना है उसको डिले करती है और जो भी आपके बाल नए आने वाले हैं उसको वो सफ़ेद होने से रोकती है और काले बाल आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हेयर टॉनिक काम करता है और ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपके क्वेश्चन लेती हूँ कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसको कितने टाइम पे लगाना है और कैसे लगाना है। तो इसको दोस्तों आपको डेली लगाना है 3 महीने, कम से कम 3 महीने तक, 90 डेज तक आपको इसको अपने बालों को लगाना है। ये बस आपको ये स्प्रे बॉटल है तो आपके बालों में आपको स्प्रे करना है और उसको हल्के से मसाज करना है डेली एटलीस्ट 3 मंथ तक। 3 मंथ के लिए इसलिए होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने बालों में लगाते हो तो उसका रिजल्ट आने में, वो एक्टिवेट होकर उसका रिजल्ट आने में कम से कम 3 महीने लगता है। और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आपको ये रिजल्ट कितने दिनों में मिलता है। अगर हो सकता है आपको जल्दी मिले या फिर आपको थोड़ी देर भी लगे, पर आपको ये रेगुलर यूज़ करना है ये प्रोडक्ट। और मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके साथ क्या हम अदर प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बालों को ऑयल लगाना, मास्क लगाना या फिर कलर लगाना। तो यस, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है टू रूट, ये एक टॉनिक है और ये बिल्कुल यू नो ऑयली नहीं है या फिर अपने बालों को ग्रीसी नहीं करता है। तो आप अपने बालों को जो भी आप ऑयल लगाते हैं, रेगुलर ऑयलिंग करते हैं, वो आप कर सकते हो या फिर मास्क लगा सकते हो, क्योंकि हमारे बालों को ऑयलिंग और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है बालों के हेल्थ के लिए। तो आप उसको आप रेगुलरली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई अपने बालों पर ऑनियंस ऑयल या जूस भी लगाते हैं, तो हाँ आप भी ये उसके साथ लगा सकते हो, क्योंकि इसको सिर्फ आपको बालों में स्प्रे करना है सुबह या शाम। और आप इसके साथ अपनी जो हेयर केयर रूटीन है उसको आप डेफिनेटली शुरू रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो दूसरा क्वेश्चन आता है क्या ये बॉयज़ के लिए भी है? हाँ, तो ये बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए है। इनफैक्ट अगर आप 12 साल के ऊपर के बच्चे हो तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट है, क्योंकि बिल्कुल ये हर्बल है तो आप लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए भी ये प्रोडक्ट है। और मुझे और भी एक क्वेश्चन आता है कि कितने दिनों में ये बाल काले करता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्योंकि इसका ये है कि अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो तो ये आपके 3 महीने बाद इसका आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। तो और मुझे और भी एक क्वेश्चन आता है, क्या ये पहले वाले जो सफ़ेद बाल आ गए उसको भी काला कर देगा? तो नहीं, जो आपके पहले वाले का सफ़ेद बाल आ चुके हैं, क्योंकि वो तो डेड बाल हो गए, मतलब परमानेंटली वो ग्रे बाल ही हो गए, वो एकदम रूट से बाहर आ गए, तो वो तो काले नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि पर आपके जो नए बाल आएंगे, क्योंकि आपके रेगुलर यूज से आपके जो नए बाल आएंगे वो काले ही आएंगे, या फिर आपके जो बालों का जल्दी जल्दी सफ़ेद होना है उसको वो रोकेगा और उसको डिले कर देगा आपके बालों का काला यू नो सफ़ेद होना। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि 20s में ही बाल सफ़ेद होते हैं, तो आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो तो आपके ये बालों का सफ़ेद होना डिले कर सकता है। तो ये एक क्वेश्चन आता है मुझे, क्या और एक क्वेश्चन आता है क्या हेयर कलर कर सकते हैं? हाँ, आप हेयर कलर अगर करना आपको पसंद है तो आप अपने बालों को हेयर कलर भी कर सकते हो रेगुलरली। क्या और एक क्वेश्चन आता है, क्या ये आपके बालों को ऑयली और ग्रेसी बनाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बनाता, ये बिल्कुल वाटर बेस्ड है, ऐसा लगता है आपने सिर्फ वाटर लगाया है, तो ये बिल्कुल क्विकली एब्जॉर्ब होता है, बिल्कुल नॉन स्टिकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे इजीली अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हो स्प्रे करके, चाहे आपने अपने बाल धोए हो या ना धोए हो। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है कि इसके बाल धोना ज़रूरी है क्या ये लगाने से? पर नहीं, आपको डेली वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे बालों पर बिना वॉश किए भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार आप ही आपके बालों को यू नो काला तो करता ही है, बट ये आपके यू नो स्कैल्प को एक ठंडक भी देता है और न्यूट्रिशन, आपके बालों को न्यूट्रिशन भी देता है, तो ये भी इसके बेनिफिट्स हैं। तो सो फ्रेंड्स, आई होप आपके कुछ जो आपने क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर आपको मिल गए होंगे, और मैंने भी कोशिश की कि मैं मुझे जो भी क्वेश्चन आए मैं उसके आंसर दे दूँ। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका क्वेश्चंस के जवाब दूँ। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ। और फाइनली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।